ने अभी केक कैसा आपका? मजे का है? ये वाली सही थी ना? दया ने अपनी ब्राउनी मंगाई, छोटी सी ब्राउनी आई थी। कैसी है दया? सही है। और नाभी ने अपना मफिन मंगवाया। ला रहे ना, नोफिल वेट करें। और साथ में इनकी चॉकलेट टी, और ये आ गई चॉकलेट टी है। और ये बाबा की शादी चाय है। और ये नया ओपन हुआ है आग बगुला के नाम से। मुंह तो देखो नाभी का। अच्छा भी ला रहे हो। और ये ना जाया की ब्राउनी, ब्राउनी चेक करे आओ, फर्ज ब्राउनी। इन्नी मुन्नी चाहिए, इन्नी मुन्नी चाहिए ना। अभी पी नहीं है, गरम है। हम लोग निकले थे, बाबा लेके निकले के चलो थोड़ा सा आउटिंग करके आते हैं। काफ़ी दिनों से ज़्यादा निकल नहीं रहे हम लोग बाहर, बच्चे बीमार हैं और इधर उधर आना जाना भी नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा दूरी बस घर से निकले हैं और घर के करीब ही थोड़ा सा ये नया ओपन हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। बाबा ने कहा कि छड़ दी है, ज़ाहिर है बच्चों को कुछ ठंडा वगैरह तो दे नहीं सकते। तो बस बच्चों ने अपने लिए यहाँ पे चॉकलेट टी ली है और बाबा अपनी सादी चाय पी रहे, क्लासिक चाय के नाम से है। चॉकलेट टी टी बच्चों ने ली है, नाम उन्होंने अपने रखे हुए। सिंपली आप अपने लफ्ज़ों में बोले तो सादी दूध पत्ती चाय और चॉकलेट चाय। और जयशा ने चॉकलेट साफ वही है, पर उसके ऊपर चॉकलेट सिरप है। चॉकलेट सिरप बस। ओह माय गॉड, तो सिंपली चाय में ऊपर चॉकलेट डाली थी। सही प्रैंक होते हैं हम लोग। और बच्चे यहाँ पे चाय पी और साथ में मफिन एंजॉय कर रहे हैं। प्राइस भी अच्छे हैं, मतलब इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मली प्राइस है अपना, वही फ्रेंडली पॉकेट जिसे कहते हैं, प्राइस वही है। अच्छी जगह है, प्लेस अच्छी है, बैठने की अच्छी जगह है। और शुगर मेला हो सकता है, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। और ये नोफिल ने हमें तंग किया हुआ, नोफिल उतारो, वो समझ रहा हूँ ओरिजिनल वाले लीफ पे, उनको कह रहा हूँ उतारो। हाँ जी, क्या बातें कर रहे हैं आप? ये उतारो। क्या उतारो? ये उतारो। ये आर्टिफिशियल है, केरी दूध पत्ती है। नाभी के साथ हुआ धोखा, इन लोगों के साथ बड़े धोखे होते हैं। ये देखिए, ये हमारी बेइज्जतियां कराते, हर जगह जाके हमारी बेइज्जतियां कराते। तो फिर नाभी पियो चॉकलेट है। अरे तो आप थोड़ी पियो, मैंने भूख मारी ना, ऐसे किया तो ना चॉकलेट हट गई। घर पर ढेरों चॉकलेट है, वही तो ये अब हम घर पे बना चॉकलेट पत्ती भी आते ना। टुमारो आज बन रहा है नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट। मैंने कहा बड़े दिनों से बच्चे पराठे खा रहे हैं, तो क्यों ना आज इन्हें फ्रेंच टोस्ट बना के दिए जाए। तीन तीन बहुत है दोनों के लिए। यस, दो भाई के लिए बना दूंगी। आप अलग अलग क्यों रख रही हैं? जल्दी बन जाएंगे, अब टाइम की बचत। नौफिल तो हमारा उठ ही नहीं रहा है अभी तक, और आज होने वाली है शुरू 2023। ये 2022 की आखिरी सुबह। वोरी सुबह इतनी गंदे क्यों दिख रही है? वो हमारे वो जो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं एग्जॉस्ट, वो मिट्टी हुआ है। याल्ला 2022 बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आने वाला 2023 भी सबकी जिंदगियों में खुशियों भरा लग गया। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और चले नाश्ता बना के दे रही हूँ मैं, ये हमारा 2022 का आखिरी नाश्ता है। हाँ, इसके बाद हम आखिरी नाश्ते तो अच्छा है। इसके बाद हम पूरी करेंगे 2023 में, कल से। हाँ, कल से होगा 2023। और नाभी की बर्थडे भी आने वाली है। ये नाभी, नाभी 2022 का आखिरी नाश्ता कर ले। आप हमेशा आखिरी होता है, क्यों आखिरी होता है?
एक ही बार आता होता है ना लो अगले दिन भी होता पर ये 2022 का आखिरी नाश्ता। अभी ये ना कशु आप ही ने देखी ना वीडियो तो बोलेंगे उनको वो बड़ा पसंद है, उनको मेरे हाथ के बहुत पसंद है। वो खुद बनाती है पर उनको मतेगा नहीं लगता। जब मेरे पास तो मैं आपको फ्रेंच टोस्ट बनाती थी जब भी और रात में आपको फ्रेंच टोस्ट मिलेंगे। अब मैं कहती हूँ कशु आपी का नाश्ता लेके आएंगे ना तो भी फ्रेंच टोस्ट लेके आएंगे। उन्होंने पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ बेटा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी दुआओं से हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और चल रहा है यहाँ पे 2022 का आखिरी नाश्ता। आखिरी नाश्ता कर रहे हैं सब हम लोग यहाँ पर, मतलब सब बोले तो अनाबिया है, जायशा और मैं। नौफिल भी आज सो रहे हैं, इनके बाबा भी सो रहे हैं। हम तीनों मिलके कर रहे हैं 2022 का आखिरी नाश्ता। कल से हम मिलेंगे 2023 में इंशाल्लाह ताला। और बस आप लोग भी दुआ करें, मैं भी बहुत दुआ कर रही हूँ, बच्चे भी बहुत दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक आने वाला साल बहुत ही खुशी हो भरा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लेके आए। और पिछले साल जैसे जो जो चीज़ें जो जो तकलीफ़ें सबके साथ रही है, अल्लाह पाक उन सब को ख़त्म करे और आने वाले साल में ऐसा कुछ ना करे। इस मुल्क के हालात अल्लाह ताला बेहतर करे और हम पे अपने बरकतों के साए बरसाते रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाएँ, सबकी परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाएँ, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी अता फरमाएँ, जो बेघर है उन्हें घर अता फरमाएँ। और जितने लोग भी अपनी औलाद के लिए तरसते हैं अल्लाह पाक उन्हें औलाद अता फरमाएँ और सेहतमंद तंदरुस्त औलाद अता फरमाएँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अल्लाह पाक सेहतमंद और तंदरुस्त औलाद अता फरमाएँ। बेटा या बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, औलाद होना ज़रूरी है, तो सेहतमंद औलाद अता फरमाएँ। आमीन सुमा आमीन। और भी बहुत सारी दुआएँ हैं जो मैं करना चाहती हूँ, पर अभी के लिए नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। और आप लोग भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में दुआएँ दीजिए सभी लोगों के लिए, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के लिए, जो जो मुल्क में परेशानियां हाल, और अभी जैसे वापस से थोड़े से मसले शुरू हो गए वो मसले ख़त्म हो जाए, और जो जो परेशानियां सबको है उसकी परेशानियां दूर हो जाए। मेरी फैमिली के लिए भी, मेरी फैमिली अल्लाह पाक जो जो परेशानियों में है, जो तकलीफ़ में है, जो बीमार हैं, जिसको जो अपनी दुआ कबूल करवानी है अल्लाह पाक आने वाले साल में उसकी दुआ कबूल फरमाएँ। और जो मेरे घर में बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाएँ और सबकी परेशानियों को दूर फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और चले नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ते में जायशा ने जैसे आप लोगों को दिखाया कि फ्रेंच टोस्ट बना रही थी मैं, आज ये लोग खा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट और मैं अंडा और पराठा ही खा रही हूँ। तो नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। पे 2022 का लास्ट सूरज ग्रूब होते हुए देखने के लिए कि CVO आए फाइनली, मतलब कि हम लोग CVO आए थे कि हमने कहा लास्ट जो है 2022 का सूरज ग्रूब होते हुए हम लोग देखेंगे। बट अफसोस के रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतने ज़्यादा सिग्नल्स बंद मिले, अब हमें पहुँचते पहुँचते हो गई मगरिब होने वाली है बस 5-10 मिनट में। और पहुँचने के लिए मतलब 5 मिनट का रास्ता है, पर एक्चुअली इशू ये है कि पापा को ज़रा ऑफिस से, काम से ऑफिस भी जाना था, तो हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं पापा का। पापा कह रहे ऑफिस, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सूरज ग्रूब होने वाला है। चले खैर है, कोई बात नहीं, सूरज ग्रूब होते हुए नहीं देखेंगे तो सूरज इंशाल्लाह ताला सुबह क्या कहते हैं उसे, सनराइज तो नहीं, नहीं सूरज सुबह क्या होता है, सनराइज मुझे याद ही नहीं आ रहा। सुबह मैं तो उठ जाती हूँ फजर में, तो नया सूरज निकलते हुए देखूंगी मैं, तो कहीं और से आता है, तो दिखता तो है, रोशनी तो हर जगह होती है ना।
तो सूरज निकलते हुए मैं देख लूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, खुश रहने का है। आज का दिन 2022 का, आज हमारा आखिरी दिन 2022 का। हैप्पी न्यू ईयर आने वाली है। 12 बजे और अभी बज रहे हैं लगभग कोई 5:40 आज 5:40 हाँ जी, तो टाइम हो रहा है ये, बस बाबा का वेट है, बाबा जल्दी से आ जाए। ऑफिस गए ज़रा, उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा काम है, अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ज़रा करता हुआ ही जाऊँ, तो बस बाबा का वेट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से आ जाए। अगर हुआ हमारे नसीब में तो हमें मिल जाएगा और आप लोगों को भी दिखा देंगे, अगर नहीं हुआ तो खैर है कोई बात नहीं। बाकी जो है बस साल शुरू होने वाला है, न्यू ईयर पर कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे, आप लोग भी हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। और ये बैठी है पीछे अनाबिया और जायशा, सलाम वलाम नहीं कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। और ये मेरे बेबी सो रहे हैं मेरे पास। जावेद स्कूल में हमें ना गेट पे माइक में चौकीदार बुलाता है, तो जायशा आप ही हो, मेरा नाम क्या लेते हैं, रायता है ना नाबिया। अच्छा, चौकीदार को ना इनका जो स्कूल की जो चौकीदार है उन्हें नाम नहीं लेना आता जायशा का खास, तो जायशा को तो खास तौर पे सब नाम गलत ही ले रहे होते हैं, तो चौकीदार नाम माइक में आवाज ले लगाता है, रायता और अनाबिया गेट पर आ जाइए, जायशा का नाम रख दिया रायता। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है रायता। मेरे जो क्लास में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरे क्लास में सबसे अच्छी बच्ची सबको पसंद मैं ही हूँ। ओह वाह, कोई भी मेरे साथ बैठता है तो उसको अच्छा होता है। चलो ये तो अच्छी बात है। तो बस न्यू ईयर की थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी बहुत है, और अल्लाह से दुआ भी बहुत कर रहे हैं हम कि अल्लाह पाक आने वाला साल बहुत अच्छा, खुशियों भरा, ढेरों खुशियों भरा लेके आए। बहुत दुआएं कर रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए भी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आपकी सब जायज़ दुआ कबूल फरमाए। जायज़ मैं इसलिए कहती हूँ कि लोग कुछ अपने हिसाब से दुआ करते हैं, बट मेरा ये तरीका है दुआ मांगने का कि जो हमारी जायज़ दुआ होती है अल्लाह पाक उसे ज़रूर कबूल फरमाता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और बस बाबा का बेटे बाबा आ जाए। और ये मेरा बेबी लाल सो रहे हैं, देखिए ज़रा बेबी लाल बेबी लाल सो रहे हैं। इनको ना रात को मॉस्किटो ने ना यहाँ पे चीक पे ना अब्बा कर दिया है, तो वो इनका रेड रेड हो रहा है। ये नहीं, दूसरे वाले चीक्स पे किया, इस तरफ से किया जहाँ पे वो मेरे साथ लेटे हुए। मेरा